सहारनपुर में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता कारी अबरार जमाल के नेतृत्व में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने सहारनपुर के हकीकत नगर ग्राउंड पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दुनिया देख रही है, यह पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है और यह उनकी छोटी सोच का नतीजा है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं और भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान सरकार से मांग करते हैं कि बिलावल भुट्टो को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसे आदमी को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है जो भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे महबूब नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन था मुस्लिम समाज का, और हमारे मुस्लिम समाज ने हमने सब ने मिलकर के पाकिस्तान सरकार से इस बात की मांग की है कि बिलावल भुट्टो को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान इस्लाम की बात करता है, शरीयत की बात करता है, कुरान की बात करता है, और जिस कुरान ने कहा हो वानजिर अशीरतक अकरबीन के पहले अपने ख़ानदान अपने कबीले वालों को संवारो, वो पाकिस्तान आज इतनी दूर तक हमला कर रहा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बातें कह रहा है। जिस कुरान ने कहा हो आमालुकुम उमालुकुम के जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरान हमारे आमालों के सबब हैं, और जिस तरह हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समाज ख़ास तौर से मुस्लिम समाज आज भारत में रह कर के जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जब से मुसलमान अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के आतंकवाद और ये विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, इससे मुसलमान अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा है, और ये इस्लाम के नाम पर कुरान के नाम पर शरीयत के नाम पर ये लोग एक कलंक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।